जय श्री राम, वंदे मातरम, जय मां सती। साथियों, अब चुनाव नजदीक है और हम अपने अपने ताकत से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने हौसले से, अपने अपने बुद्धि से, अपने अपने दिमाग से और अपने अपने मन की स्थिरता से हमारे नेता का समर्थन करेंगे। जब देश का कर्णधार, देश का राजा, देश का सम्राट सुयोग्य चरित्र का होता है और उसका प्रेम अगर देशवासियों के प्रति है, देश के कानून के प्रति वो समर्पित है, तो वही व्यक्ति देश का संचालन उत्कृष्ट रूप से कर सकता है। आज की वर्तमान स्थिति हम देखते हैं, सारे के सारे ठगबंधन, सारे के सारे गठबंधन एक जगह पर एकत्रित इसीलिए हुए हैं कि देश का प्रधानमंत्री, देश का नायक, देश का महानायक जो आज तक हजार वर्षों के पश्चात हमें नसीब हुआ है, हमारे भाग्य में वह हीरा हमने इस समय इस 4.5 साल की सत्ता में पाया है, उसको हम नरेंद्र दामोदर दास मोदी के रूप में पहचानते हैं। और उसी व्यक्ति ने हमारे भारत देश की पहचान अमित और स्वच्छता और सुंदरता से प्ररूपित की है पूरे विश्व की नजरों में। पूरा विश्व आज भारत के चरणों में समर्पित है, पूरा विश्व आज भारत की ओर से, पूरा विश्व आज भारत के साथ मित्रता करना चाहता है, पूरा विश्व आज भारत से हाथ में हाथ मिलाकर के चलना चाहता है, दो कदम चलना चाहता है, क्योंकि आज मेरे भारत देश को, आज मेरे भारत की गरिमा को, आज मेरे भारत की सभ्यता को अगर किसी ने नया आयाम दिया है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। और उसी नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हम सच्चे सिपाही हैं और भारतवासी हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई चाहत, कोई सम्राट, कोई देश का नायक, कोई प्रधानमंत्री, कोई राजा अगर चरित्र के नाव पर सवार होकर के निस्वार्थ रूप से मेरे देश की सेवा करता है, तो यह सन्यासी भी उसके साथ में कदम से कदम मिला करके उसके सहयोग के लिए हर संभव प्रयास करता रहेगा, उस तख्त पर विराजमान करने के लिए पुनः जहां पर वो आज है। क्या आप भारतवासी नहीं चाहते? क्या आपके मन में यह धारणा नहीं है? क्या आप यह नहीं सोचते कि आपका आने वाला भविष्य उज्ज्वल हो? क्या आप यह नहीं जानते कि आपकी आने वाली पीढ़ी आपको स्मरित करे? क्या आप अपने बच्चों के भविष्य को सिक्योर नहीं करना चाहते? क्या आप यह नहीं चाहते कि आने वाला भवितव्य, आने वाली पीढ़ी आपके नाम का जय घोष करे और आपको उसी प्रकार उस सम्राट की भांति देखे जिस सम्राट के भांति उनके मन में अभी छवि होगी इस हिंदुस्तान के उस नायक के प्रति जिसे हम नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहते हैं? क्या आप नहीं चाहोगे कि उसी तख्त पर उसे वापस विराजमान करना जिस व्यक्ति के जीवन के चरित्र पर, जिस व्यक्ति के जीवन की चर्या पर ना एक कलंक है, ना एक अपवाद है, क्या हम उस पुस्तक पर फिर से नहीं बैठाना देखना नहीं चाहेंगे? जो परिवारवाद है, जिन्होंने केवल अपने परिवार का ही सोचा है और देश की किसी प्रकार से उनके हृदय में दूर दूर तक कोई प्रेम नहीं, कोई सौहार्दता नहीं, कोई प्रीति नहीं, कोई वात्सल्यता नहीं, ऐसे व्यक्ति अगर मेरे देश की पुनः बात कर संभालते हैं तो निश्चित समझिए कि मेरा देश पतन की ओर चला जाएगा। हजारों हजारों वर्ष के पूर्व जो मेरे देश के हाल थे, इन आक्रांता और विक्रांताओं के द्वारा जो मेरे देश को प्रताड़ित कर दिया गया, पुनः वह समय निश्चित रूप से आ सकता है। आपका एक वोट का बड़ा कीमती होगा, इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति मेरे भारत के सैनिकों पर संदेह करता है, जो व्यक्ति, जो राजनेता, जो राजकीय पार्टियां, जो राजकीय संगठन, जो छोटे मोटे संगठन, जो गली कुचों में पलने वाले, जो कुछ ऐसी नापाक इरादे वाले उन व्यक्ति, जो व्यक्ति मां भारती के टुकड़े करने की बात करता है, JNU जैसी उस शैक्षणिक संस्था में भी जो व्यक्ति भारत माता के टुकड़े करने की बात करता है और उस व्यक्ति को अगर कोई पार्टी अपना मुखिया के रूप में पेशित करता है, जैसे हमारे गुजरात में कुछ समय पहले हुआ था, आप जानते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो भारत माता के टुकड़े करने की बातें करते हैं, अगर ऐसे व्यक्तियों को अगर आप सत्ता देते हो तो निश्चित समझे कि आपका पतन होगा। एक व्यक्ति है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर है, आप जानते हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा उसका। उस व्यक्ति ने एक एजेंडा बनाया था कांग्रेस के खिलाफ, TMC के खिलाफ, मायावती के खिलाफ, अखिलेश के खिलाफ और सारे पार्टियां जितनी भी पार्टियां संदिग्ध है, हालांकि वो सत्य बोल रहा था उस समय और उसी एजेंडे के तहत वो मुख्यमंत्री बना दिल्ली का। और आज वही व्यक्ति, वही लालची, वही पाखंडी, वही ढोंगी आज मेरे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर लांछन लगाकर ये कहना चाहता है कि मैं मोदी को परास्त करना चाहता हूं। किसी पत्रकार ने उसे पूछा था कि आपने तो ये एजेंडा बनाया था कि कांग्रेस इनका सबका, आपने कच्चा चिट्ठा बाहर निकाला था और आज आप उन्हीं के साथ गठबंधन करने की बात करते हो, तो ये किस आधार से? तो उसने कहा कि मैं मोदी को परास्त करना चाहता हूं। साथियों, बस इतना ही बात समझिए, जब पूरा विपक्ष, जब पाकिस्तान यहां के गद्दार, यहां के जयचंद तक मोदी
जिस छवि को हम कभी महाराणा प्रताप में देखते थे, उस छवि को अभी कभी हम ऋतुराज चौहान में देखते थे, छत्रपति शिवाजी में देखते थे, कभी वर्धमान महावीर में, कभी बौद्ध में, कभी कृष्ण में, तो कभी महान आत्माओं के स्वरूप में हमने देखते थे। आज हमारे सामने वो मौजूद है और हम उसे खोने का कभी प्रयास नहीं करेंगे। हम उनके साथ में खड़े रहेंगे और हर हालात में उन्हें उसी तख्त पर वापस बिठाएंगे जिस तख्त पर आज वह है। अगर आप आज आपने अगर भूल कर दी तो समझ लीजिए कि आने वाली सदियां आपको क्षमा नहीं करेंगी। आप इतना ही समझे, चरित्रवान को चुनना है या जिनका चरित्र ही गिरा हुआ है उसे, जो देश के प्रति समर्पित देशभक्त है या जो देश की मिट्टी को तक बेचने की ललक रखता है, ऐसे देशद्रोही को जिसे केवल सत्ता पाने की लालच है, ऐसे व्यक्तियों को आप तख्त पर बिठाओगे? या जो ये कहता है कि मुझे कुर्सी नहीं मिलेगी तो भी चलेगा, मेरे निर्णयों से देश मुझे तख्त से उतार देगा, फिर भी मैं मेरे अस्मिता को और मेरे सत्य को कलंकित नहीं होने दूंगा, ऐसे शब्द जिस व्यक्ति के, वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को पुनः आप अगर तख्त पर बिठाते हो तो समझना आप सच्चे कट्टर हिंदुस्तानी हो, भारतवासी हो। इतना याद रखिए, अब चुनाव आएगा और केवल कमल के उस निशान पर आपकी मुहर लगनी चाहिए। अगर आपका निशान, आपकी मुहर, आपकी उंगली अगर कमल के निशान पर विराजित होती है तो समझ लीजिए कि आपने भगवान श्री राम को पाया, कृष्ण को पाया, महावीर को पाया। और अगर आपने उसके अलावा कुछ रास्ता चुनते हो तो समझ लीजिए देश गर्त में जाएगा और आपकी आने वाली पीढ़ी आपको क्षमा नहीं करेगी। जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय।